जानकारी के लिए शुक्रिया। लेकिन इस बीच तस्वीर क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज को लेकर निकल रही है, ये जानना जरूरी है। और साथ साथ हम कंपेयर भी करेंगे कि बीते तमाम चुनावों को लेकर अब तक जो आंकड़ा है वो कितना बेहतर रहा है, क्योंकि 2014 का जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका है यहाँ पे फर्स्ट फेज में भी और आज भी, यानी सेकंड के साथ साथ आखिरी फेज जो आज का था। आज के साथ ही लोकसभा का चुनाव राजस्थान में ओवर हो चुका है, तो क्या कुछ मत फीसद रहा है ये हम आपको जरा बता रहे हैं। पांचवें चरण का मतदान अब जारी है, हालांकि अब तो खत्म हो गया, 6 बजे के साथ ही खत्म हो गया था। लेकिन इस बीच हम 3 साल का जो मतदान का आंकड़ा है वो बता रहे हैं। 2014 में क्या कुछ स्थिति रही, 72.85%। इसके अलावा 2018 के विधानसभा चुनाव में 76.34% मतदान रहा। इसके अलावा हम 2019 की बात करें तो 60.08% मतदान हुआ है। तो 3 साल में जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा, हालांकि फाइनल रिपोर्ट का इंतजार हमें अभी भी है। और फाइनल रिपोर्ट ना सिर्फ आज शाम तक बल्कि कल सुबह तक भी इजाफा हमें देखने को मिल सकता है। 12 सीटों को लेकर जो चुनाव हुआ है उसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है वोटर्स को, हम कह रहे हैं वोटर्स को हम कोट कर रहे हैं, श्रीगंगानगर। वहां के वोटर कितने जागरूक हैं इस बात का संकेत उन्होंने 70% से ज्यादा वोटिंग परसेंट के जरिए दे दी है। लेकिन तुलनात्मक तौर पे क्या कुछ परफॉर्मेंस रहा है, किस तरीके से यह आंकड़ा रहा है, वोटर्स कितने साल दर साल चुनाव दर चुनाव जागरूक होते जा रहे हैं, ये तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। जयपुर शहर को लेकर अब तक जो वोटिंग फीसद है, 2014 में 66 से ज्यादा, 2018 में 70 से ज्यादा, 2019 में 68 से ज्यादा, यानी अभी 2018 का जो रिकॉर्ड है वो नहीं टूटा है। इंतजार अभी हमें है, जैसे हमने पहले भी आपको कोट किया कि अभी भी ये जो आंकड़ा है वो बदलने वाला है इस लिहाज से, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट हमारे पास अभी नहीं पहुंचा है। और इस बीच हम अलवर की स्थिति से आपको वाकिफ कराते हैं। 2014 में स्थिति 65.5%, 2018 में 75 से भी ज्यादा यानी 75.28%, 2019 की बात करें तो 66.23% यहां पे मतदान हुआ। अलवर की यह तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं जो कि अभी 2018 का जो आंकड़ा है उसको क्रॉस नहीं कर पाया है, ये अभी का परसेंटेज। इसके अलावा भरतपुर की हम बात कर ले, भरतपुर में अब तक जो वोटिंग परसेंटेज साल दर साल बदला है वो हम जरा बताएं आपको। 2014 में स्थिति खराब इसको कह सकते हैं क्योंकि 56.98% ही, 71.88% 2018 में, 58.36% 2019 में। फाइनल आंकड़े का, फाइनल रिपोर्ट का भी हमें इंतजार है। 2014 से स्थिति सुधरी 2018 के विधानसभा चुनाव में, और 2019 में क्या रिकॉर्ड मतदान हुआ है ये सवाल अभी भी बना हुआ है। और इसके लिए आपको लगातार फर्स्ट इंडिया देखना होगा, क्योंकि हम फाइनल रिपोर्ट भी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। क्योंकि अभी जो कतारों में लगे हुए हैं वो वोटिंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनके वोट करने के बाद इस परसेंटेज में इजाफा होगा। करौली धौलपुर की बीच हम बात कर लेते हैं जरा। 2014 में 54.7%, 2018 में 72.14%, 2019 में स्थिति कैसी है, 54.27%। तपती दोपहरी पारा टेम्परेचर 40 से भी ज्यादा, और उसके बाद भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, कतारों में लग रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और फिर जाकर वोट कास्ट कर रहे हैं। आपको इन मतदाताओं को बधाई देना होगा क्योंकि तपती दोपहरी में भी ये जाकर वोट कास्ट करके आ रहे हैं। दौसा की बात कर लेते हैं, 2014 में क्या स्थिति रही है। 2014 की बात करें तो 61% मतदान, 2018 में 77.12%, 2019 में ये सूरत है 60.42% मतदान हुआ है, यानी अभी भी विधानसभा चुनाव का जो रिकॉर्ड है वो नहीं टूटा है। फाइनल रिपोर्ट का यहां से भी हमें इंतजार है। लेकिन इस बीच हम तुलना करें कि 2014 में कैसा माहौल था, वोटर कितने जागरूक थे, 2018 के विधानसभा चुनाव में ये वोटर कितने जागरूक हुए, और 2019 के रन को लेकर, यहाँ के बैटल को लेकर पब्लिक के दिमाग में क्या कुछ था, वोटर जब वोट कास्ट करने निकल रहा था तो क्या कुछ था, ये हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार हमारी कोशिश है कि फाइनल रिपोर्ट से हम आपको वाकिफ कराएं, क्योंकि रिकॉर्ड टूट रहा है, वोटर्स बधाई के पात्र हैं, क्योंकि सुबह से हम भी यही कोशिश कर रहे थे कि जागरूक मतदाता जो